उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय चर्चा का विषय अपना दल कमीरावादी अध्यक्ष पल्लवी पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात बनी हुई है। सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के रुख में बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सिराथू विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर यूपी विधानसभा पहुंची पल्लवी का लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव से टकराव हो गया था। इसके बाद उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर अलग गठबंधन खड़ा किया। ये गठबंधन कुछ खास नहीं कर पाया। इसके बाद अब पल्लवी पटेल सीएम योगी से मुलाकात करती दिख रही है। यूपी भारतीय जनता पार्टी में मची हलचल के बीच इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। करीब आधे घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात चली। इस दौरान मुलाकात का संदेश अखिलेश यादव से अधिक केशव प्रसाद मौर्य को मिलने की चर्चा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और पल्लवी पटेल की मुलाकात की खबर अब सामने आई है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब यूपी बीजेपी में अंतरकलह की खबरें सामने आ रही हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार 24 जुलाई को पल्लवी पटेल अपने पति के साथ सीएम योगी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 से 25 मिनट तक चर्चा हुई। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकार इस मुलाकात के मायने निकाल रहे हैं। पल्लवी पटेल ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2022 में लड़ा था। इसमें उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराकर अपनी राजनीतिक पकड़ का लोहा मनवाया था। लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी के पास 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव अपनी क्षमता के प्रदर्शन का एक बड़ा माध्यम है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 मंत्रियों की कमेटी बनाई है। इसके अलावा पिछले दिनों में लगातार पार्टी के सीनियर नेताओं और गठबंधन सहयोगियों से मिल रहे हैं। भाजपा अभी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सोनीलाल निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पल्लवी पटेल को भाजपा अपने साथ जोड़ सकती है। सोनीलाल पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर परिवार में जंग जैसी स्थिति रही है। अनुप्रिया पटेल ने 2014 के बाद से भाजपा के साथ मिलकर अपना दल सोनीलाल को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी को रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा। वहीं अपना दल इस बार के चुनाव में कुर्मी वोट बैंक को पूरी तरह से भाजपा की तरफ मोड़ने में कामयाब नहीं रही। वहीं अपना दल कमीरावादी के समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद इस तरफ वोट बैंक का झुकाव हुआ है। पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल लगातार भाजपा के खिलाफ हमलावर रही हैं। पल्लवी पटेल के अखिलेश यादव से टकराव के बाद अलग स्थान बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। भाजपा के भीतर टकराव जैसी स्थिति के बीच केशव प्रसाद मौर्य लगातार मुखर दिखे हैं। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद पहली बार केशव मौर्य अपनी अलग छवि बनाने की कोशिश में दिखे। माना जा रहा है कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है। इस स्थिति में सिराथू से उन्हें मात देने वाली पल्लवी पटेल से सीएम योगी की मुलाकात का एक अलग ही मतलब निकाला जा रहा है। हालांकि इन मुलाकातों को लेकर कोई बयान दोनों पक्षों की ओर से नहीं आया है। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में पल्लवी ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सीएम योगी से चर्चा की है।